मैं रेखा मीणा और आज हम स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर का पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था कि स्पीड कंट्रोल के लिए हमको कौन कौन से मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ देखा था हमने कि पहला तो हमारा स्पीड क्या था, हमारा रिलेशन क्या था, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी एन इज इक्वल टू वी ए माइनस आई ए आर ए बाई के बी के एफ आई एफ, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी और ये हमारे पास रिलेशन आया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला तो है स्पीड कंट्रोल बाय द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा है स्पीड कंट्रोल बाय द फील्ड कंट्रोल, यानी कि फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट के माध्यम से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ से ये हमारा फर्स्ट मेथड है स्पीड वो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, यानी कि ये वाला, इसमें आर्मेचर में ये हमारी हो गई आर्मेचर डीसी, ये हो गया हमारा सप्लाई। ये पूरा सर्किट हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हम यहाँ से फायरिंग एंगल ये एस सी आर एस के माध्यम से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सके। ये हमारी क्या है, मोटर की आर्मेचर है, ठीक है। तो इसमें फ्लो होने वाले यहाँ इसमें दिए जाने वाले वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें। तो ये पूरा सर्किट उसलिए बनाया गया है। यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये सप्लाई है, ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया, ये हमारा क्या है, इस प्रकार का जब भी सर्किट आया तो ये क्या होता है, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ये रेक्टिफायर करता है आने वाली सप्लाई को एसी टू डीसी। ये हो गया हमारा जेनर डायोड, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा यूजेटी। यूजेटी हमने पहले पढ़ा हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। ये हो गया आर वन और सी वन, ये आर टू डी टू डी वन, ये हमारा एस सी आर, यह यूजेटी की ये वाली वाइंडिंग, यूजेटी का जो टर्मिनल है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से तथा सेकेंडरी इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी हुई हमारी एस सी आर से, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही सप्लाई हमारा एस सी आर चार्ज होगा किसके माध्यम से, आर वन के माध्यम से चार्ज होगा, ये हमारा कैपेसिटर आर वन के माध्यम से चार्ज होगा। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज वी पी पीक और वोल्टेज पीक वोल्टेज पे पहुँचती है तो हमारे क्या होगा, यूजेटी ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ से ये ट्रिगर हुआ तो यहाँ पर करंट का फ्लो होगा तथा हमारी सेकेंडरी में भी करंट का फ्लो होगा और ये क्या है, हमारा गेट सर्किट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पल्स मिलेगी एस सी आर को, एस सी आर हमारा ऑन होगा। जैसे ही एस सी आर हमारा ऑन होगा तो यहाँ पर फ्लो होने वाले करंट का या फिर फ्लो होने वाले यहाँ से हमको क्या होगा, हमारा ये पाथ ये सर्किट बनेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा हमारी मशीन ये वाले पाथ से रन करेगी। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा यहाँ पर क्या होगा, हमारा वी इंक्रीज होगा तो हमारा ये चीज इंक्रीज होगी, बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा, और बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा तो हमारी मोटर की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डी टू हमारा क्या करता है, यहाँ से जो चार्जिंग करंट है इसको यहाँ से इधर फ्लो होने के लिए होने से रोकता है तथा ये कैपेसिटर को चार्ज करता है। और ये D1 का कार्य क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा, क्या इंडक्टर मशीन में क्या होता है, रेजिस्टेंस व बात करें हम डीसी मोटर की तो इसमें दोनों ही चीज़ होती है, एक तो रेजिस्टेंस दूसरा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी यह इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारी मोटर ऑफ होगी तो उस कंडीशन में इस वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ को इसके थ्रू ये डिस्चार्ज कर देगा D1 के माध्यम से। तो ये क्या हो गया, यहाँ से हमको क्या मिला, ये हमारा जैसे ही हमारा कैपेसिटर चार्ज हुआ ये हमारा यूजेटी का यहाँ पे वोल्टेज पीक वोल्टेज पे पहुँचा तो हमारा यूजेटी चालू हो गया, यहाँ प्राइमरी में करंट का फ्लो हुआ तो उससे सेकेंडरी में करंट का फ्लो हुआ और हमारा एस सी आर ऑन हो गया। इस यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम R की वैल्यू, यहाँ R क्या है, वेरिएबल, R1 इज द वेरिएबल रजिस्टर,
आर वन की वैल्यू वेरी करने से हमारा फायरिंग एंगल क्या होगा, चार्जिंग रेट कैपेसिटर की वेरी करेगी और उसी हिसाब से यूजेटी ट्रिगर होगा, यानी कि हम फायरिंग एंगल अल्टीमेटली यहाँ से ये यूजेटी ट्रिगर होगा। तो यहाँ पर फ्लो होने वाले करंट का हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उससे क्या होगा, एस सी आर का फायरिंग एंगल कंट्रोल होगा, यानी कि एस सी आर हमको कब ऑन करवाना है और जब उसी के माध्यम से क्या होगी हमारी, यानी कि एस सी आर के फायरिंग एंगल अल्फा को कंट्रोल करके फायरिंग एंगल अल्फा को कंट्रोल करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर करते हैं। तथा यह मेथड कहाँ यूज हो रहा है हमारी, जब मोटर की स्पीड डाउन जाती है, ठीक है। जैसे ही मोटर की स्पीड डाउन जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लो होने वाले करंट में रिडक्शन होता है, यानी कि ये क्या करता है हमारा, ये स्पीड डाउन जाएगी, यानी कि ईएमएफ क्या हो रहा है उस टाइम पे डाउन जा रहा है, तो यहाँ से फ्लो होने वाले करंट का भी रिडक्शन होता है, यानी कि माइन्यूट करंट यहाँ पे फ्लो होता है बहुत, उसकी वजह से पूरा करंट कहाँ जाता है, इस कैपेसिटर को जाता है, कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है और यहाँ पे ये इस सर्किट को ट्रिगर कर देता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये यूजेटी ट्रिगर हुआ, उसके माध्यम से एस सी आर हमारा ट्रिगर हुआ और इस यहाँ पे क्या होगा, करंट और वोल्टेज दोनों का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और हमारा क्या होगा, ई एम एफ वापस से इंक्रीज हो जाएगा और हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हम बिलो द बेस स्पीड से फिर से वापस से बेस स्पीड पे आ सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम आर्मेचर फील्ड कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट क्या है हमारा, फील्ड कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, इस आर्मेचर की जगह हम एससीआर के सीरीज में किसको कनेक्ट कर देंगे, फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पूरा सर्किट सेम होगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आर्मेचर यानी कि वोल्टेज जो कि पहले हम आर्मेचर को दे रहे थे, अब उसको कंट्रोल ना करके फील्ड वाइंडिंग को दी जाने वाली वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। ये हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग और यहाँ पे क्या चाहिए हमारी, ये हो गई हमारी आर्मेचर वाइंडिंग, ये हो गई हमारी मोटर, ये हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग। इसमें क्या होगा, मेथड वही रहेगा, यहाँ से जैसे ही R1 का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, R1 का वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं तो यह जो चार्ज होने वाले कैपेसिटर, इसमें क्या होगा, करंट का धीरे धीरे चार्ज होगा, उससे क्या होगा, इसमें ट्रिगरिंग टाइम, ये इसको यूजेटी को ऑन कराने में टाइम इंक्रीज हो जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो एस सी आर को पल्स जो मिलेगी, फायरिंग एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फायरिंग एंगल इंक्रीज होने से अल्फा अगर हमारा इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे आईएफ की वैल्यू डाउन होगी और आईएफ और एन में क्या है, तो हमारी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आर वन के वैल्यू में वेरिएशन करके हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और उससे क्या होगा, यहाँ पे फायरिंग एंगल कंट्रोल होगा। एससीआर का फायरिंग एंगल बढ़ने पे, एससीआर का फायरिंग एंगल बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये हम क्या यहाँ से देखे तो फायरिंग एंगल, ये अगर हमारी वेव फॉर्म है तो फायरिंग एंगल जितना ज्यादा होगा करंट का वैल्यू क्या होगा, उतना ही ये कम होगा, ठीक है। जितना लेट हम एससीआर को ऑन कराएंगे उतना ही करंट का वैल्यू कम होगा। तो करंट का वैल्यू कम होने से, यानी करंट का वैल्यू कम होने से हमारी क्या होगी, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ठीक है। और जैसे ही हम फायरिंग एंगल को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, हमारा फील्ड करंट का वैल्यू कम होगा। और यदि हम फायरिंग एंगल को कम करें, अल्फा की वैल्यू कम करें, तो यहाँ से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं।
जिसके माध्यम से हम डीसी शंट मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।